हे हेलो नमस्कार, मैं जसवंत आपको स्वागत करता हूँ बिगिनर्स चैनल में। आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चंस बार बार OSSE CHO एम्स NHM एग्जाम्स में आया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। और एक बात, आपको इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन से कितने आंसर सही आया आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। तो पर्निशियस एनीमिया क्या है? जब विटामिन बी ट्वेल्व का अब्जॉर्प्शन नहीं होता है तब पर्निशियस एनीमिया होता है। तो ऑप्शन देखिए आंसर के लिए, विटामिन बी, इंट्रिंसिक फैक्टर, गैस्ट्रिन, पैनक्रेटिक जूस। तो सही आंसर यहाँ पे है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? वो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी ट्वेल्व को अब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर डिफिशियंसी हुआ तो पर्निशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड है उसका पीएच कितना है? तो ऑप्शन देखिए, 7.35 टू 7.45, 7.34 टू 7.44, 7.33 टू 7.43, 7.36 टू 7.46। तो सही आंसर है 7.35 टू 7.45। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पीएच स्केल होता है वो जो 7 होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। अगर वो नीचे नीचे आया तो एसिड, अगर ये ऊपर गया 7 के ऊपर गया तो बेस है। ठीक है, ये ब्लड का पीएच है 7.35, तो ये स्लाइटली अल्कालाइन है। क्वेश्चन नंबर 3, एंटीडोट ऑफ हेपारिन इज डैश। जो हेपारिन है उसका एंटीडोट क्या है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एसिटिल कोलिन, ऑप्शन बी एसिटिल सिस्टीन, ऑप्शन सी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन डी इंसुलिन। तो सही आंसर है प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, 1 mg प्रोटामिन सल्फेट में हम 100 यूनिट हेपरिन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट यूज होते हैं हेपरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एक्सपायर्ड एयर इज कितना है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए है 16%, बी है 21%, सी है 70%, डी है 1%। तो कितना है ये पूछा है एक्सपायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर नहीं। ठीक है, तो सही आंसर है 16%। एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है 16%। अगर यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर पूछा होता तो हमारा आंसर होता 21%। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपका कितना सही आंसर आया मुझे जरूर कमेंट कर दीजिए बिलो में। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि आपको कितने से कितने मार्क आया। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डैश। तो जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है वो कितना होता है? ऑप्शन ए होता है 280 days, ऑप्शन बी होता है 40 weeks, ऑप्शन सी होता है 10 lunar month, ऑप्शन डी होता है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है आपको बताएं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 28 days भी, 280 days भी होता है, 40 weeks भी होता है, 10 lunar month भी होता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है, ह्यूमन बॉडी कंटेंट्स डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। ह्यूमन बॉडी कितना परसेंट वाटर में कंसिस्ट होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 90%। तो कौन सा सही आंसर है? हमारा सही आंसर है 60%। ठीक है, अगर 1% लो होता है उसी ए 60% से तो हमको थर्स्ट लगता है, हमको प्यास लगता है। ठीक है, तो नंबर 7, व्हिच विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। हमारा वुंड हीलिंग में कौन सी विटामिन हमको हेल्प करता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो कौन सा सही आंसर है? देखिए, ऑप्शन बी विटामिन सी, क्योंकि अब विटामिन सी को हम वुंड हीलिंग और के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, और विटामिन सी को दूसरा नाम का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो नंबर 8, व्हेन द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज स्टार्टेड। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आता है, ऑप्शन ए में आता है डिसम्बर 1994, डिसम्बर 1995, जनवरी 1995, जनवरी 1994। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में अगर आप जानते हो तो। तो सही आंसर है डिसम्बर 1995। तो ये जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है, कहीं कहीं पूछता है कि ये जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन है वो क्या होता है? एक प्रोग्राम है और एक कैंपेन है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि ये एक कैंपेन है। तो नंबर 9, द हीट रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट।
जो हमारा बॉडी में हीट रेगुलेटिंग सेंटर है वो कहाँ पे अवस्थान करते हैं? ऑप्शन ए मेडुला ओब्लोंगाटा, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपको पता है कि नहीं? मैं ज़रूर देखूंगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगा कमेंट सेक्शन। तो उसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है? ये वो क्या है ना, टू रेगुलेट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वो हमारा बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। ठीक है, अगर हीट में है तो न्यूट्रलाइज करते हैं स्वेटिंग करने करके, तो अगर ज़्यादा ठंड लग रहा है तो भी हमको वार्म करता है, बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन करता है। तो नेक्स्ट आता है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज, जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है लंग्स का वो कितना होता है? ए 100 ml, बी 400 ml, सी 500 ml, डी 6000 ml। तो इनमें से कौन से सही आंसर है? इनमें से सही आंसर है 500 ml। ठीक है, 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल। लेकिन अगर हमको पूछा होता कि टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, तो हमारा आंसर होता 6000 ml। ठीक है, तो ये भी कहीं कहीं पूछता है कि टोटल लंग कैपेसिटी कितना है, उसमें से क्या है 6000 ml आंसर होता है। तो नंबर 11, BCG वैक्सीन इज व्हिच टाइप ऑफ वैक्सीन? ऑप्शन ए किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी कॉम्बाइंड वैक्सीन, ऑप्शन डी ट्रिपल वैक्सीन। तो इनमें से सही आंसर क्या है? इनमें से सही आंसर है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। ठीक है, ये जो BCG वैक्सीन है उसका फुल नेम है बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन। तो ये जो बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन ये क्यों है? क्योंकि दो साइंटिस्ट अल्बर्ट कैलामाइट एंड कैमिल ग्यूरिन उसका फाउंडर है। ठीक है, BCG का फाउंडर है अल्बर्ट कैलामाइट एंड कैमिल ग्यूरिन, इसके लिए उसको BCG और बैसिलस कैलामाइट ग्यूरिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रग ऑफ चॉइस इन ICP इज, तो ICP क्या होता है? इंट्राक्रानियल प्रेशर, जो क्रानियल प्रेशर हाई होता है। तो हम क्या ड्रग ऑफ चॉइस लेते हैं? ए IV फेनिटोइन, बी IV मैनिटोल, सी IV डायजेपम, डी और डी पैरासिटामोल। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है IV मैनिटोल। हम ICP जब इंक्रीज होता है, हम IV मैनिटोल को ड्रग ऑफ चॉइस में लेते हैं। मैनिटोल क्या कितने 20%। ठीक है, तो नंबर 13, इन व्हिच पार्ट ऑफ द गैस एक्सचेंज अकर्स इन द लंग्स, जो लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है वो कौन सी पार्ट में होता है? ए एल्वियोली, बी ब्रोंकी, सी मसल ऑफ लंग्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी एरिया में होता है? इसका सही आंसर है एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली क्या करता है ना, हम जब सांस ले रहे हैं अंदर, तो इसमें से वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और ब्लड में दे देता है, और वो ब्लड जाकर जो टिश्यू है उनके पास पहुंचता है। और क्वेश्चन नंबर 14, टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन गिवन टू ए चाइल्ड इज, तो ऑप्शन होता है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसमें से सही आंसर क्या है बताइए? तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन सी 9 डोजेस। तो क्यों है 9 डोजेस, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहला विटामिन ए सॉल्यूशन वो एक चाइल्ड लेता है 9 मंथ में लेता है 1,00,000 इंटरनेशनल यूनिट, उसके बाद हर साल में 2 डोज, 6 मंथ में 1 डोज और 6 मंथ में 1 डोज। ठीक है, तो इसमें से कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि 8 डोज हुआ और ये जो 9 मंथ में लिया और 1 डोज, तो 9 डोज मिला के, सब मिला के 9 डोज ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, जो हम एक्सपेक्टेड डेट निकलते हैं तो हम कौन सी डेट से कैलकुलेट करते हैं? तो ऑप्शन ए लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन बी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन सी सेकेंड डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन डी सेवेंथ डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार भी रिपीट हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये इसमें से सही आंसर क्या है। ये एक कंफ्यूजिंग ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही आंसर है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम कैसे निकालते हैं, और एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी निकालने का तरीका क्या है? 9 मंथ 7 डेज ऐड करना है। फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में 9 मंथ 7 डेज को कैलकुलेट करना है, और जो निकलेगा वो ही एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है। ठीक है, आपको ये रूल जरूर पता होना चाहिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इंडिया में ब्लाइंडनेस के कारण? ये तो ऑप्शन ए विटामिन ए डिफिशियंसी, ऑप्शन बी कैटरेक्ट, ऑप्शन सी ग्लूकोमा, ऑप्शन डी ट्राकोमा। तो सही आंसर क्या है?
सही आंसर है बी, कैटरेक्ट। ठीक है, वो कैटरेक्ट क्या है, वो कैटरेक्ट क्या होता है ना, जो क्लाउडीनेस ऑफ लेंस हो, आई का लेंस जो हमारा होता है उसमें से क्लाउडीनेस हो जाता है, वो छाया हो जाता है बादल में, ठीक है, बादल जैसा, वो तो सही आंसर है कैटरेक्ट। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करा आपका नॉलेज रिगार्डिंग में, नर्सिंग रिगार्डिंग में, और आगे आगे से बार बार क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन में लाऊंगा अभी, क्योंकि बाद में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको, आप फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा कि आपकी नॉलेज जो है वो अच्छे हो सके। ठीक है, तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, रैली जय जगन्नाथ।